subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. मैं आप लोगों से जनरल सवाल करूं. मुझे पैसे मिल रहे थे. हम नहीं खेल रहे भाई. हाय हाय. पॉइंट्स पे जीत गए ना तुम लोग. दोबारा मजा आ गया. आप लोगों ने जनरल जवाब देना है. अपने आप को मद्देनजर रखते नहीं, जनरली जो आपकी ऑब्जर्वेशन है लाइफ को देखते हुए वो आपने जवाब देना है, या ड्रामों की स्क्रिप्ट को देखते हुए जवाब देना है. जो मैं आपसे सवाल करूंगी उसका जो जवाब आप देना चाहते हैं वो आप बोर्ड पे छोड़ देंगे, और बाकी वो चिपकने वाली चीजें वो आप निकाल लेंगे. ठीक है? ठीक है. मैं बुराइयों के सवाल अलग करूंगी, अच्छाइयों के सवाल अलग करूंगी. ठीक है? रेडी? ओके. अब आप तीनों में से कोई एक यहाँ खड़ी हो जाए. सना तुम आ जाओ, यहाँ साइमा आप आ जाए, ये वाली एक्टिविटी करने के लिए. मुराल में तो जीत ही जाएंगे ना. बिल्कुल. हाँ ठीक है. कैमरामैन हमारे गेस्ट जो है सही खड़े. ओके. पहला सवाल, पहले मैं बुराइयों के कॉलम में आ रही हूँ. okay. तुम इस तरफ आ जाओ ताकि तुम्हें बुराइयों की. मैं कैमरे की वजह से यहाँ खड़ी. कोई बात नहीं, कैमरा नहीं नहीं, तुम उधर ही खड़ी हो, बीच में खड़ी हो जाओ. वो वहां से निकाल. यहाँ होंगे जब क्वेश्चन होगा तो. अच्छा, तुम यहाँ खड़ी हो. ओके, बिल्कुल सही. ठीक है. ठीक है. और आप भी? हाँ, आप तो बुराइयों की तरफ ही खड़ी हुई है. क्या मतलब? मतलब सही खड़ी है कि कॉलम के कैमरा ये सही है. अच्छा, पहले सही खड़ी क्योंकि आपका कैमरा होगा. ठीक. डायरेक्शन भी चल रही है साथ साथ. पहला सवाल, हर काम में मीन मीख कौन निकालता है, सास या बहू? सास. हर काम में मीन मीख कौन निकालता है, सास या बहू? कंफ्यूजन. सास. रहने दूं यहाँ पे. ये निकालते. वेरी गुड, समझ गए. तो दोनों पार्टीज का जवाब है कि ज्यादातर हर काम में मीन मीख ज्यादातर. कोई एक्सेप्शन होगा तो होगा. हाँ. कहीं किसी के घर में, एक आध घर में हो जाता है. हाँ. कि नहीं, वो बहू की नहीं, कभी कभार कोई बहू भी ऐसी होती. हाँ, है वैसे. यही मैं कह रही हूँ. लेकिन कभी मेजॉरिटी जो ज्यादा होता है. लेकिन देखिए, मैंने ना एक डिस्क्लेमर देखना है अपनी मदर इन लॉ के लिए. वो देख रहे हैं, देखेंगे. मैं आपको मद्देनजर रखते हुए नहीं खेल रही. बिल्कुल, आप ही को कह रही हूँ. दिल की बात निकालती हूँ. मैं ये डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये जनरल बात हो रही है, पर्सनल बात नहीं हो रही. अब डिस्क्लेमर लगा दे, मेरी बात रिपीट करते हैं. ओके, नेक्स्ट जवाब. पैसों की कदर सास और बहू के अंदर ज्यादा कौन नहीं करता? बहू हटा. जनरल बहू नहीं करती. बहू हटा दूं. बहू कदर नहीं. तो नहीं, फिर बहू नहीं हटेगी. अगर आपको बहू जवाब देना, सास हटेगी. सास हटाए ना. जो सास हटा दो, जो जो आंसर नहीं होगा ना, जो आंसर होगा वो रहेगा. हाँ, सास को कदर नहीं है. सास को कदर है. कदर है ना. सास को कदर उनको हटा दो. तो मैं नहीं, गलत बोल रही हूँ. नहीं, आप वो सही बोल रही हैं. आपको समझ में. देखिए, पिछला वाला जवाब आपका सास था ना, कि वो क्या है, बुराइयां. अभी जो जवाब आपने देना है जी, आपको आपको कौन लगता है कि सास या बहू, किसको पैसे की कदर नहीं होती? बहू को. तो बहू यही रहेगी ना, बुराई है. सास नहीं. समझ. आंसर वही रहेगा. हाँ हाय, आपको समझ आ गई ना. आप लोगों को समझ आनी चाहिए, वरना समझ नहीं आएगी. ओके, आपने क्या जवाब दिया? बहू. ओके. अच्छा, ओके. फोन पे घंटों ज्यादा देर तक कौन बात करता है, सास या बहू? सास. आपको जो लगता है आप जवाब दें. बहू. बहू. बहू के पास टाइम ही नहीं, नौकरी भी जाती है. फूट पड़ गई, फूट पड़ गई टीम में. फूट पड़ गई टीम में. बहू करती है. फूट पड़ गई इनमें. बहू. बहू करती है. नहीं, बहू मैं बता रही हूं. नहीं नहीं, नीचे. हां, सास से करती है. बहू ही तो बात करती है सारा दिन. बहू कह रही है सास तंबी बातें करती है. सास करती है. और वो हां. अच्छा, इस जवाब का जो है ना, वो जवाब मैं भी देना चाहूंगी. फॉर एग्जांपल, फोन पे अगर लगने की बात है तो सास इस उम्र में, सास इस उम्र में जो है, कंपनी नहीं होती ना, वो कॉल सबकी अपनी फूफी सास से भी बात करती है. एंटरटेनमेंट उनका भी हाल पूछना है. तो इसलिए सास जो है वो बेचारी अपना टाइम पास या टीवी देख के करती है. गलत बोला है. बहू ने. कोई बात नहीं, उससे कोई जीतना हार नहीं है. हार गए. प्यार आया ना मुझे आपसे. हार गए. नहीं, हार गए. और बहुएं लंबी बातें, अगर बहू फ्री होती है तो लंबी बातें अपनी अपने मैके में अपने दोस्तों से करती है. इतनी लंबी फिर भी नहीं करती है. बहनों से ठीक है. अच्छा, अम्मिया और सास से तो एक इरिटेटिंग हद तक फोन बिजी होता है. इरिटेटिंग हद तक. खुद की अम्मिया भी ना. ओके ओके. एक की चार अक्सर कौन लगाता है? ओहो, दोनों. 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 प्लीज. दोनों.
दो रात दोनों को लगे रहने लगे इतने ऑनेस्ट है हम लोग. आस पड़ोस की जिंदगियों पे गहरी नजर किसकी होती है? हाँ सही निकाल आपने सास. इसका जवाब है सास. दोनों ने यही जवाब दिया. ओके हाँ. हमेशा खुद को मजलूम कौन समझता है? सास. 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 हमेशा खुद को मजलूम कौन समझता है? बहू. बहू. हाँ सही कह रही हूँ. यही वाला है ना? हाँ हाँ. नहीं हमने आपको सास मजलूम समझती है. उनके साथ में बुरा हो गया. उनकी सास ने बुरा किया. उनके बेटे ने बुरा किया. ये हमारा कॉन्सेप्ट है ना. इनको क्या करना. काम भी करती हूँ मैं. घर भी आती हूँ. बच्चे भी देखती हूँ. किचन भी देखती हूँ. बहू. हाँ ओके. नहीं नहीं हीरा नहीं. मुझे लगता है अच्छा. हाँ सोने में वक्त जाया ज्यादा कौन करता है? बहू करती है. ऑफ कोर्स. हाँ ऑफ कोर्स. बहू. मतलब पैदाइशी राइट है. बहू. हमने सही जवानी की अपनी नींद होती है भाई. जवानी की अपनी नींद होती है. हाँ ओके. टीवी में ज्यादा दिल किसका लगता है? सास. 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 का. सारी सासें सब हम ठीक है. अच्छा कुछ अब हमने ये एनालाइज करना है दोनों तरफ कि बुराइयों में पलड़ा किसका भारी है? बराबर ही है. जूते पड़ेंगे मुझे तो घर जाकर. दो तीन चार यहाँ पे. एक दो तीन चार पांच जो सासे हैं उनकी तरफ से तो बहुओं में पलड़ा भारी है बुराइयों में. और जो बहुएं हैं उनका पलड़ा भी विजिबली विजिबली. एक दो तीन चार पांच. विजिबली सासों को. जनरल सासों को. जनरल. जनरल नॉट आर्स. क्योंकि मैंने पप्पे कुटनी पन्नी घंटा से घर में जाना है. आवर सासेस आर गुड. पता चला मिट्टी का दिल लेके बैठे हैं. जनरल डिस्क्लेमर. तो यहाँ बुराइयों में पलड़ा भारी है. ये कहाँ से ये कहाँ से गिर गया है? कोई बात नहीं गिरने दें. आगे आगे बढ़ जाते हैं. वो यहाँ से गिरा खैर है. खैर कोई बात नहीं. अब अच्छाइयों की तरफ आ जाते हैं. सही है. ओके सवाल आप लोग इस तरफ चेंज कर सकते हैं. हाँ यहाँ बिल्कुल. ओके घड़ी की सुइयों पर कौन चलता है? डिसिप्लिन टाइम का पाबंद ज्यादा कौन होता है? सास या बहू? सास. सास. मेरे सास होती. क्या सोच रही है? सास होती. फ्लैशबैक में जा रही है. आजकल तो बहुएं भी होती है. ये इंसान पे डिपेंड करता है. कोई काम कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकती कि सिर्फ सास होती है. सुबह उठना बच्चों को टाइमली उनको स्कूल भेजना वो काम ट्रू. वेरी ट्रू. वेरी ट्रू. अच्छा हम जनरल ज्यादातर हमारे लिए मुश्किल हमारे सास होती है. अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से हर कोई होता है. हमारे परसेंटेज है वो वर्किंग लेडीज की कम है. हाउसवाइफ्स की ज्यादा. सही. तो हम ज्यादा उनको जनरली लेकिन ज्यादा पंचुअल अगर देखा जाए तो फिर मुझे लगता है सास क्योंकि बहू के पास काम बहुत ज्यादा होता है तो आगे पीछे टाइम हो जाता है. कभी कभार सास जो है ऐसा भी होता है कि वो बहुओं को उठाती भी है. बेटा तुम्हारा अलार्म नहीं बजा. कभी कभार मेरी सास तो ऐसा कुछ नहीं है. मेरी सास तो बैठी है. नहीं नहीं उठाती है. अगर बीमार ना हो अपने बच्चों को भेजने के लिए. अगर आप लोगों की तरह मेंटेन्ड हो तो बिल्कुल. छोटी छोटी उम्र में शादी हो गई हो. घुटनों का दर्द नहीं हो. कल अगर आप बोले तो वो उठा देती है. मतलब ऐसा कोई मसला नहीं होता. मुझे लगता है कि वो उठा देती है. मतलब वो अक्सर मेरे सासों को देखा बेटा ट्यूशन का टाइम है बच्चा चला गया आ गया. वो ये मेरी सास तो करती है. हाँ ऐसा होता है. अच्छा नेक्स्ट सवाल. मेज पे हमेशा ताजा खाना हो इस बात पर हमेशा कौन जोर देता है? सास. 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 ओके जी नेक्स्ट सवाल. हाँ हाँ लेन देन में खुला हाथ हमेशा कौन रखता है? बहू. 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 ओके ओके सही है. एक जाला भी घर में दिख जाए तो ऐसे फरमान जारी कौन करता है? सास. आई थिंक बोथ. नहीं नहीं बोथ. बोथ. ओसीडी हो. बोथ. जिंदगी में कौन रहेगा जिसको ओसीडी हो? हां हां सबको. आई थिंक दोनों. बोथ हटा दो. सास को अगर नजर ना आए तो. अगर तुमने बोथ रख लिया तो ठीक है. बोथ. नहीं देखिए सही. ये भी सही लॉजिक है. बोथ नहीं रखना तो आप हटा. नहीं अगर सास को नजर ना आए तो बेचारी बहू भी सब सफाइयां करा रही होती है. मुझे तो दोनों को रहने दे. आप दोनों को रहने दे. ठीक है. ओके अगला सवाल. मेहमान नवाजी में कौन कौन आगे रहता है?
कौन आगे? आई थिंक दोनों 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 रहती है, मतलब बहू ज्यादा. इट डिपेंड्स किसकी फैमिली आ रही है, सास की या बहू की आ रही है. सास, इट वेरीज, क्योंकि बहू को वैसे ही इतना काम होता है, मेहमानों को देख उसको कष्ट पड़ता है. सास का ज्यादा. ये भी आ गए तो आपको कर निकाल लें बहू जी, नीचे नीचे. अच्छा कहीं से भी निकाल लें. हाँ, लगता है एग्जीक्यूशन तो बहू ही करती है ना. आई थिंक बोथ. आप लोग बता दो अगर मैं गलत हूँ. हाँ अच्छा. हाँ सर, ये बोल सोच समझ के पहले तोलो फिर बोलो, इस बात का कौन आदि होता है ज्यादा? बहू. बहू तो नहीं, बहू मुझे लगता है. बहू. हाँ, सासों के मुंह से कुछ भी निकल जाता है. हाँ, मैं आई थिंक yes. बहू फिर भी थोड़ा एहतियात करके ससुराल है. हाँ, ना बहू 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 ओके. हाँ ठीक है. हाँ, हम साथ साथ रहें, मिल के रहें, इस कॉल पर कौन ज्यादा अमल करता है? सास. चाहे सास हो चाहे अम्मी अब्बू हो आपके, वो सारे हमारे जो है ना, हम साथ साथ हैं. उन फिल्म की बात कर रहा हूं, फैमिली फिल्म उनकी फेवरेट है, हम साथ साथ हैं. या वो अमिताभ वाली कौन सी थी, बागबान? ओए ओए ओए, मेरी सास ने जब बागबान देखी, अल्लाह उन्हें सभी रो रहे होते थे. उन्होंने क्या किया, सारे बेटों को बारी बारी फोन किया. अच्छा उस वक्त हमारी मदर इन लॉ जो मेरे पास रहती थी, बाकी जितने भी बेटे हैं दानिश, फराज और वकार, सब वो सेपरेट थे और वो हमारे साथ होती थी, हम लोग इकट्ठे रह रहे थे. उन्होंने सारे बेटों को जो साथ नहीं रहते थे उनको फोन किया और उसके बाद उनको बड़े बदतमीज वाला फोन था, फोन बंद करके और फोन ऐसे फेंक दिया फोन. अब बेचारा जो डेंटिस्ट है, जो डायरेक्टर एक्टर है, वो सब परेशान. हुआ क्या? फोन किया, क्या हुआ है अम्मी को? यार ऐसा क्या हुआ है, ऐसे क्यों हुई? उन्होंने अम्मी टीजर दिखा के कह रहे, अरे यार उन्होंने फिल्म बागबान देख ली. तो ये तो इतना असर लेती है सासें जो है ड्रामे और फिल्मों का. पक्के वाकई. हाँ हाँ, सबसे ज्यादा वैसे सासें और अम्माएं असर लेती हैं सबसे ज्यादा. चलो जी जवाब निकालो. हाँ हो गया. ओके लास्ट सवाल, बीमारी में भी एक्टिव कौन रहता है? बीमारी में अब अच्छाइयों में गिन लेते हैं किसका पलड़ा किस तरफ भारी है. आइए गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार. ओ हो, अच्छाइयों में यहाँ तो बराबर है. ठीक है अब यहाँ देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, और इस तरफ सासों का पलड़ा अच्छाइयों में भारी है. तो जी यहाँ पे सासों ने जो है एक पॉइंट दे दिया सास को एक्स्ट्रा, और अच्छाइयों में यहाँ भारी होगी. इसका मतलब बड़ा मजा आया, सासों से और अपनी अम्माओं से कितना प्यार करते हैं. हाँ, हाँ, हाँ. Exactly.